दीप्ति शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी महाराज जी कह रहे हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य हैं महाराज जी कह रहे है कि इनका एक प्रश्न है कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि चाहकर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता जिसकी वजह से उस वक्त मन में बहुत नकारात्मकता आ जाती है उस वक्त के लिए क्या उपाय करें कि वो नकारात्मकता ना रहे और हम अच्छा प्रदर्शन कर पाए पहली बात तो संयमी पुरुष हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है जो संयमी पुरुष होता है हमें एक दोष होता है कि जैसे हमें थोड़ी कहीं सफलता मिली तो हम फूल जाते हैं और संयम छोड़ देते हैं अगर संयम और अभ्यास ये दोनों का हमारे जीवन में योग हो तो कभी कोई परास्त नहीं कर सकता और कभी हम असफल नहीं हो सकते संयम शब्द याद कर ले और अभ्यास रोज अभ्यास जिस विषय में हमें सफलता प्राप्त करनी और ब्रह्मचर्य संयम जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम विषयों का सेवन नहीं करेंगे जो विषय पर अपने यहां थोड़ी कमी यही होती है कि जहां हुआ तो भारी प्रोत्साहन मिलता है और भारी प्रोत्साहन में वो अभ्यास और संयम दोनों को छोड़ देता है इसलिए असफल हो जाता है जो अभ्यासी है और संयमी है वो कभी भी कहीं भी फेल नहीं हो सकता हमारे अभ्यास की त्रुटि और संयम की त्रुटि इसको ठीक कर लो कोई भी हो कहीं भी हो कहीं भी प्रदर्शन किसी भी मार्ग में किसी भी मार्ग में जहां अभ्यास छूटा और संयम छूटा वो नष्ट होगा वो भ्रष्ट होगा वो गिर सकता है वो हार सकता है चाहे वो साधु से लेकर के संसार के किसी भी मार्ग में हो संयम और अभ्यास वो भजन का अभ्यास चित्तवृत्ति का बार बार संसार से हटाकर भगवान में लगाना और संयम वो विश्व विजयी महात्मा हो जाएगा जो संयमी है वही जो अभ्यासी है वही आगे हमारे कोई संयम में त्रुटि न हो अभ्यास में त्रुटि न हो अगर फिर भी असफलता आती है ये ऐसा भी हो जाए तो फिर उसमें समझना चाहिए कि पूर्व का जो हमारा प्रारब्ध है वो हमको गिराने की चेष्टा कर रहा है क्योंकि हम संयम में हैं और हम अभ्यास में हैं, इसीलिए फिर भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया अजय विजय और हार दोनों में फिर समान भाव रखना चाहिए संयमी और अभ्यासी को कि इस बार हार गया हूं मेरी कोई त्रुटि नहीं है अगली बार हम जरूर ऐसा संयम और ऐसा अभ्यास से अपनी स्थिति बनाएंगे कि हमारा प्रदर्शन उससे जोर का होगा तो जरूर होगा जरूर होगा कभी कभी संयमी और अभ्यासी साधक को भी पूर्व जो प्रारब्ध है वो असफलता प्रदान करता है उस समय निराश नहीं होना चाहिए अपने ही किसी पूर्व किए हुए कर्म के द्वारा सफलता मिलती ये युद्ध है सबके जीवन का जो जहां है उसके लिए युद्ध है जैसे अपने लोग हैं तो ऐसा थोड़ी कि सफलता ही सफलता मिलती चली गई नहीं बहुत बार प्रभु प्रभु पुकारना पड़ता फिर अभ्यास फिर कठोर तब, फिर अभ्यास संयम कठोर तप धीरे धीरे युक्ति पता चल गई कि इसका पॉइंट कहाँ से हम गिरा सकते हैं इसको वो बात बन गई भगवान ने जब देखा कि अब ये असफल हो रहा है तो अंदर से युक्ति दे दी युक्ति से मुक्ति अब पता चल गया ओहो इसका पावर ये है इसको यहां से पछाड़ किया जाता है तो हम अगर संयम से चले कोई भी किसी भी मार्ग में किसी भी क्षेत्र में संयम और अभ्यास ये शब्द याद रखें अभ्यास हम पढ़ाई में तो अभ्यास या किसी भी डिपार्टमेंट में है ये दो बातें याद कर ले संयम और अभ्यास के द्वारा ऊंचाई पर चढ़ा जाता है और संयम अभ्यास में शिथिलता तो हमारा प्रदर्शन भी शिथिल रहेगा और हमारी हार भी निश्चित है निश्चित है संयम और अभ्यास एक हम अनुभव के अंतर्गत कहते हैं संयम और अभ्यास में इतना पावर आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी अभ्यास चाहे जितनी पीड़ा हो अभ्यास उठा देता है अभ्यास में से सारी क्रियाएं अभ्यास करा रहा है भागवती का अभ्यास वो अभ्यास करा रहा है और भगवान की आश्रित है तो आप भी भगवान की आश्रित नाम जब संयम और अभ्यास बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा जी एक किसमें प्रश्न था जी एक होते हैं एकल मतलब अकेले को लड़ना है या अकेले को खेलना है। एक होता है संयुक्त जिसमें पूरी टीम वर्क होता है महाराजी कभी कभी देखा जाता है खेलों में सहयोग भी बहुत काम करता है महाराजी देखो अगर तो न... पूरी टीम की हार होती है तो पूरे देश की नजर होती है कि इसमें खिलाड़ी कौन चूक कर रहा है और जो अच्छा खिलाड़ी होता है हार होने पर भी समाज उसकी तरफ देखती कि इसने पूरी जी जान की ताकत लगाई तो वो तो विजयी रहेगा ही उस पर कोई दोष आ नहीं सकता जो माना कि एक टीम है टीम अगर सहयोग नहीं करेगी तो वो अकेले में पूरा जीत नहीं हासिल कर सकता लेकिन समाज की दृष्टि में और उसकी दृष्टि में खुद की दृष्टि में वो कभी अपने को नीचा नहीं देखेगा क्योंकि वो समझ रहा है मैं संयम और अभ्यास से पूर्ण हूं लेकिन अब हमारा सहयोग नहीं हो पाया इसमें एक और मर्जी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सहयोग बना और वो जीतते चले गए मतलब जहाँ एकदम विकेट आ गया एकदम वो हो गया एक छोटी सी बात ने पूरा मैच को बदल दिया हाँ। कभी कभी ये। कभी इस जैसे हमने भी बोला था कभी कभी प्रारब्ध पराजित भी कर देता है तो कभी कभी प्रारब्ध विजय भी दिला देता है अगर हमारा शुभ प्रारब्ध है तो कभी कभी ऐसा हुआ कि जाते जाते हम जीत गए गिरते गिरते हम जीत गए हाँ पूर्व जो प्रारब्ध है वो पूर्व अपना अधिकार रखता है क्योंकि सांसारिक क्रियाएं कोई भगवत प्राप्ति तो है नहीं तो शुभ अशुभ बड़ा अपना प्रभाव रखता है तो अगर कभी कभी ऐसा लग जाता है कि बड़ी असावधानी होने पर भी विजय प्राप्त हो जाती है और बड़ी सावधानी होने पर भी कभी कभी हार हो जाती है तो शुभ अशुभ प्रारब्ध पर हम इसको को ज्यादा जोर नहीं देते हम जोर देते हैं क्योंकि हम पशु नहीं है कि शुभ अशुभ प्रारब्ध के अधीन में हम अभ्यास और संयम पर जोर देते हैं एक बार प्रारब्ध गिरा सकता है लेकिन हर बार नहीं हम हर बार विजय प्राप्त करेंगे ये दृढ़ निश्चय हम भगवान के अंश हैं और हम संयम से चलते हैं और हम अभ्यास हैं अभ्यास में सब कुछ है हम अभ्यास के बल से अव्यक्त परमात्मा को चिंतन के द्वारा अनुभूत कर अनुभव करते हैं जो अव्यक्त सर्वत्र विराजमान है अभ्यास से ही तो करते हैं अभ्यास योग युक्त ना चेतसा नाम्य गामिना भगवान के रहना अभ्यास योग से युक्त हो तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में संयम और अभ्यास और धैर्य के द्वारा तो हम अगर कभी प्रारब्ध व पराजित भी हो गए तो बार बार नहीं पराजित होंगे एक बार हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा और हमें अपनी मेहनत का फल मिलेगा अवश्य मिलेगा पर दो प्रकार के प्रारब्ध होते हैं शुभ और अशुभ कभी कभी अपना प्रभाव दिखाते हैं प्रारब्ध जो अच्छी मेहनत करने पर भी सफलता नहीं और चूक होने पर भी सफलता प्राप्त हो जाना ये प्रारब्ध के अंतर्गत आता है ये भी लिखा है कि कभी, कभी मतलब पूरा अच्छा प्रदर्शन हो जाता है बट हाँ, हाँ। अंतिम में जाके फाइनल में हार गए हाँ, मतलब इतना होने हाँ, के बाद बिल्कुल बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है तो ऐसे हमारी सावधानी हटी संयम हटा अभ्यास हटा तो हमसे चूक हो सकती है और अगर ना फिर ऐसा फल मिले तो भी निराश नहीं होना चाहिए हम आगे सफलता प्राप्त करेंगे मर्जी आप भारतीय क्रिकेट टीम में आपका ही प्रश्न किया था तो जो खेलते हैं ना जैसे हाँ। क्रिकेट टीम के प्लेयर है शीजिका हाँ। प्रसाद ही